नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितिन। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। में मंदिर के पुरोहित को सैलरी और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे पप्पू यादव। दौड़ावर में पूर्व जादुई विधायक डॉक्टर इजहार अहमद ने ज्वाइन किया आप। पटना 13 अक्टूबर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने मंगलवार को यह कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो सच्चर कमेटी की सिफारिशें 3 माह के अंदर लागू करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के रहने वाली सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू कर तमाम सुविधाएं दी जाए। मानों के भीतर लगातार बराबरी हिस्सेदारी का सवाल उठ रहा। मैं मानता हूं कि सर्विस सेक्टर के मुसलमानों को हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है, उनके आर्थिक भागीदार को बढ़ाने की जरूरत है। आप अध्यक्ष ने राजद के कई नेताओं के जाप में मिलन के लिए आयोजित कार्यक्रम में कहा कि मंदिर के पुरोहितों के लिए मासिक मानदेय निर्धारित करेंगे। इसी तरह अन्य धर्म स्थलों के लोगों के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। पप्पू यादव ने बक्सर हत्या गैंग रेप मामले में कहा कि नेताओं का वर्चुअल रैली और हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन के लिए उड़ान भरने का समय मिलता है, लेकिन बक्सर के पीड़ित परिवार है उनके लिए पास समय नहीं है। उन्होंने इस कांड की स्पीड ट्रायल और 6 महीने में सजा दिलाने की मांग की। पीड़ित परिवार के लिए 1 करोड़ की सरकारी मदद भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि बुधवार को प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट्स से जुड़े चंद्रशेखर राव व अन्य नेताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगे। पप्पू यादव पीड़ित की संयोजक। पप्पू यादव ने दोनों गठबंधनों पर कोसी की उपेक्षा का आरोप लगाया। कहा कि कोसी सीमांचल के साथ खड़ा होता है वही मुख्यमंत्री बनता है। साथ ही उन्होंने राजनीतिक पार्टियों पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। अवसर पर गोड़ावर में पूर्व जादुई विधायक डॉक्टर इजहार अहमद, राजद के प्रदेश महासचिव प्रवास यादव और युवा राजद के प्रदेश महासचिव सोना पासवान, कांग्रेस सर्वेश समेत कई नेताओं की जाप की सदस्यता ली। मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताएं कार्यकारी अध्यक्ष अखलाफ मौजूद थे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल।